हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 11 में। बाकी सभी एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पार्ट की शुरुआत होती है पास्ट के साल 2013 में, जहां जैसे ही हुयंग एक बस स्टॉप पर पहुंचता है, उसकी नजर होंगजू पर पड़ जाती है जो कि सड़क के उस ओर थी। होंगजू को देखकर हुयंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अचानक ही अपने स्कूल बैग से एक छोटा सा बैग निकालता है, लेकिन उसी समय उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उसे कुछ देर और वेट करने के लिए कहती है। हुयंग भी काफी खुश था, इस वजह से वो इस बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम बताती है कि कल वो यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, हुयंग काफी शॉक हो जाता है। वो अपनी मॉम से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि आज तक उन्होंने अपना कोई भी डिसीजन नहीं बदला है। साथ ही कहती हैं कि उन्हें स्कूल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और जल्द ही वो यूएस जाएंगे। ये सुनकर हुयंग काफी अपसेट हो जाता है। उसी समय होंगजू की भी नजर जैसी हुयंग पर पड़ती है, वो उसे वहीं पर रुकने के लिए कहकर तुरंत उसकी ओर आने लगती है। अब होंगजू उसके पास तक पहुंच पाती उससे पहले ही हुयंग की बस भी आ जाती है और वो वही बैग बस स्टैंड पर छोड़कर बस में बैठकर निकल जाता है। इसी के साथ हम वापस से प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं, जहां हुयंग होंगजू से कहता है कि उसके लाइफ को फेल होते देख उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। होंगजू को समझ पाती उससे पहले ही हुयंग उसके सामने बैठकर उसे उसकी चोट और हार्ट एक दोनों से रिकवर होने के लिए कहकर तुरंत उसे किस कर देता है। होंगजू भी उसे कुछ नहीं कह पाती, पर उसके फोन की रिंग सुनकर जैसे ही होंगजू को रियलाइज होता है, वो उसे धक्का देकर दूर हटा देती है और कहने लगती है कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है। साथ ही उसे आगे से इस तरह के प्रैंक करने से भी मना करती है। हुयंग कहता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है, वो आज से 10 साल पहले भी उसे लाइक करता था और आज भी उसी तरह से लाइक करता है, बस उसे ये चीज बताने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। होंगजू के कहने पर कि वो ये क्या बातें कर रहा है और वो सिर्फ दोनों फ्रेंड्स ही हैं, हुयंग कहता है कि उन्होंने जस्ट अभी किस किया है और क्या वो सच में फ्रेंड्स ही हैं। साथ ही इस बारे में उसे और अच्छे से सोचने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हिजी को, जो कि अभी भी होंगजू के बारे में ही सोच रही थी, पर उसी समय जैसी उसकी नजर मिस्टर सोन पर पड़ती है, वो होंगजू के बारे में तुरंत भूल जाती है। हिजी सोन को हाई करने की कोशिश करती है, लेकिन हिजी को देखते ही सोन तुरंत अपना रास्ता बदल देता है और सीधे स्कूल के अंदर भाग जाता है। हिजी भी इस चीज से काफी कंफ्यूज हो जाती है, पर फिर सोचने लगती है कि उसे तो सोन के शूज भी वापस करने हैं, जिसके बाद वो सीधे सोन के पास जाती है, लेकिन हिजी को देखते ही वो फिर से वहां से भाग जाता है। हिजी उसका पीछा करते करते मेडिकल रूम में पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि सोन तो वहां पर मौजूद ही नहीं है, जिस वजह से वो वहां से चली जाती है। और उसके जाते ही हम देखते हैं कि हिजी उसे ना देख पाए, इसलिए सोन बेड के पीछे ही छिप गया था। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है संगपिल को, जो कि अपने रेस्टोरेंट का खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, कि उसी समय होंगजू को वहां पर खड़े देख वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। होंगजू कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही है, इसलिए वो भी उसकी हेल्प कराएगी। संगपिल उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन होंगजू उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। पर कुछ ही देर बाद प्याज को छिलते छिलते होंगजू उसे बहुत ही ज्यादा छोटा कर देती है, जिसे देखकर संगपिल उसे उसकी हेल्प करने से मना करता है। अब बातों ही बातों में होंगजू संगपिल से पूछने लगती है कि वो किसी को डेट क्यों नहीं कर रहा है। संगपिल कहता है कि जब उसने होंगजू और हिजी को उसकी डेट सेट कराने के लिए कहा था, तो उन दोनों ने उसकी नहीं सुनी, और अब जब तक उसका रेस्टोरेंट अच्छे से फेमस नहीं हो जाता, तब तक वो डेटिंग नहीं करेगा। संगपिल भी अचानक ही काफी सरप्राइज होकर उससे पूछने लगता है कि वो ये सब क्यों पूछ रही है और क्या वो किसी को डेट कर रही है। होंगजू भी इसका जवाब तो नहीं देती, पर बात घुमाने के लिए कहने लगती है कि वो उसके लिए और प्याज छिलेगी, जिस पर संगपिल पूरा बैग ही उसके सामने उड़ेल देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीकवुक को, जो कि हुयंग के उनके कॉल ना उठाने की वजह से काफी परेशान लग रहे थे। इसी बीच बाहर आकर जैसे ही वो उस गाड़ी को वहां पर खड़े देखते हैं, वो फिर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसकी ऑनर को कॉल करते हैं। उसी समय मिस बे भी वहां पहुंच जाती है, और असल में इस गाड़ी की ओनर मिस बे ही है। उनके इतने सारे एम्प्लॉयज को देखकर बीकवुक उनसे प्यार से बात करने लगता है और कहने लगता है कि उन्होंने हजारों बार उन्हें मना कर दिया है कि गाड़ी यहाँ पर ना खड़ी करें, लेकिन वो फिर भी बार बार उनकी बिल्डिंग के सामने ही गाड़ी खड़ी कर देती हैं। पर तभी मिस बे कहने लगती है कि उन्होंने उनकी बिल्डिंग नहीं बल्कि अपोजिट बिल्डिंग के सामने गाड़ी खड़ी करी है, और अपोजिट बिल्डिंग के ओनर ने उन्हें ये करने के लिए अलाउ भी किया है, क्योंकि वो उनकी तरह नैरो माइंडेड नहीं है। ये सुनते ही बीकवुक और इरिटेट हो जाता है। कुछ ही देर बाद बीकवुक उनसे पूछने लगता है कि कहीं वो ये सब इस वजह से तो नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनका फर्स्ट लव है। और इतना सुनते ही मिस बे उन पर हंसना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि क्या वो उनके बारे में ऐसा सोचता है।
साथ ही कहती है कि पहले की बात कुछ और थी, उस टाइम वो क्यूट और यंग दोनों थे, लेकिन इस समय वो सिर्फ एक पथेटिक हैं, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है हुयंग को, जो कि घर में बर्तन धोते हुए भी वही सब कुछ याद करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। उसी समय बीकुक भी वहाँ पहुँच जाता है, जो उसे खुश देखकर इसका रीजन पूछने लगता है। इसी बीच बीकुक कहता है कि उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन हेड ऑफिस ने ऐसा मना कर दिया है। साथ ही कहने लगता है कि उसे ये डील फाइनल करने के लिए यूएस चले जाना चाहिए और ये डील खत्म करते ही वापस आ जाना चाहिए। हुयंग पूछने लगता है कि इस सब में कितना टाइम लग सकता है। बीकुक के कहने पर कि इसमें 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे, हुयंग कहता है कि इसी वजह से वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता। ये सुनते ही बीकुक उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि क्या वो होंगजू की वजह से नहीं जा रहा है, और उसका होंगजू के साथ कुछ नहीं होने वाला, और अकेला वही एक आदमी ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट लव था। उनकी बातें सुनकर हुयंग भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इन्हें क्या हुआ। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है हेजी पर, जो कि सोन को ढूंढते हुए फिर से ऑफिस में पहुंच गई थी, जहां पर एक और टीचर हेजी को बताता है कि सोन को वाइस प्रिंसिपल यानी उसी के फादर ने बुलाया है। उसी समय सोन भी वहां पहुंच जाता है, और हेजी की स्माइल देखकर वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला, जिसके बाद हेजी उसे ग्राउंड में ले जाती है और कहने लगती है कि इतना ढूंढने के बाद भी वो सुबह से उसे नहीं मिल पाई। हेजी पूछने लगती है कि उसके फादर ने उसे क्यों बुलाया था। सोन कहता है कि वाइस प्रिंसिपल चाहते हैं कि इस वीक सभी टीचर्स हाइकिंग पर जाएं। ये सुनते ही हेजी भी कहने लगती है कि उसके फादर उसे हमेशा ही हाइकिंग पर ले जाते रहते हैं, क्योंकि वो उन्हें मना नहीं करता। साथ ही कहती है कि उसे आगे से उसके फादर को मना भी करना चाहिए। हेजी सोन से पूछती है कि क्या वो नेक्स्ट डे फ्री है। सोन के हाँ कहते ही हेजी उसे उसके साथ लंच पर चलने के लिए कहती है। सोन काफी मना करने की कोशिश करता है, लेकिन हेजी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे नेक्स्ट डे मिलने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। सोन भी नेक्स्ट डे उसके साथ लंच करने के आइडिया से काफी शौक भी था और मन ही मन काफी खुश भी हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हुयंग को, जो कि अभी भी अपने फोन को ही घूर रहा था कि तभी संगपिल उसे मैसेज करके बताता है कि होंगजू उसके रेस्टोरेंट में है, और ये पता चलते ही हुयंग तैयार होकर तुरंत वहीं के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि आराम से खाना खा रही थी कि तभी उसके फोन पर जुनहो का कॉल आता है, जो कि उसने किसी और नाम से सेव किया था। ये देखकर संगपिल जैसे कॉल के बारे में पूछता है, होंगजू जुनहो की बुराई करना शुरू कर देती है, लेकिन संगपिल को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती और वो उसे पहले खाना खाने के लिए कहता है। अब बातों ही बातों में जैसे संगपिल बताता है कि हुयंग भी वहाँ आने वाला है, होंगजू उसी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि उसने हुयंग को यहाँ पर क्यों बुलाया। संगपिल भी कहता है कि वो भी यहाँ पर सिर्फ खाना खाने आ रहा है। इतना सुनते ही होंगजू भी तुरंत अपना बैग और स्टिक्स उठाकर जल्दीबाजी में उसके रेस्टोरेंट से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद हुयंग भी रेस्टोरेंट में पहुंचते ही होंगजू को देखने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आती, जिस पर संगपिल उसे बताता है कि उसके बारे में सुनते ही होंगजू तुरंत यहाँ से चली गई है। अब हुयंग के उदास चेहरे को देखकर संगपिल अचानक ही कहता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि एक बस स्टैंड पर आकर बैठ गई थी, जहाँ अचानक ही उसे भी पास्ट का वही दिन याद आने लगता है, जहाँ होंगजू अपना करियर गोल लेकर बैठी थी, और जैसे ही उसकी नजर हुयंग पर पड़ी थी वो सीधे उसकी ओर चली गई थी। ये देखकर होंगजू भी कहने लगती है कि अब उसे पास्ट के सारी चीजें याद आने लगी हैं। वो अभी इस बारे में सोच रही थी कि तभी जुनो भी नशे की हालत में उसे मैसेज करने लगता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है जुनो को, जो कि उसके उन्हीं सभी लेटर्स को पढ़ रहा था और कह रहा था कि होंगजू ने कहा था कि उसका प्यार कभी भी उसके लिए नहीं बदलेगा, तो अब उसे क्या हो गया है, और यही सब कुछ याद करके वो रोने लगता है। दूसरी ओर होंगजू, जो कि बस से अब घर जा रही थी, अचानक ही जुनो उसे मैसेज करके कहता है कि अगर उसने उसका रिप्लाई नहीं किया तो उसे उसके प्रोजेक्ट से निकाल देगा। होंगजू भी कहने लगती है कि उसे लगता था कि ब्रेकअप रिलेशनशिप का ही पार्ट होता है, लेकिन अब सच में उसका रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। साथ ही कहने लगती है कि वो बिना रिलेशनशिप के ही ठीक है, पर उसी समय अचानक ही उसे फिर से पास्ट का वही दिन याद आने लगता है, जब होंगजू पास्ट में अपने उसी करियर गोल को लेकर हुयंग के पास जा रही थी, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही हुयंग बस में बैठकर वहाँ से निकल गया था। ये देखकर होंगजू काफी अपसेट हो गई थी। इसी बीच पास्ट में होंगजू हुयंग की क्लास के बाहर खड़ी हुई काफी ज्यादा शौक लग रही थी। होंगजू को वहाँ पर खड़े देख संगपिल भी काफी कंफ्यूज लग रहा था, पर जैसे ही वो अंदर जाता है वो भी शौक रह जाता है, क्योंकि बोर्ड पर हुयंग की स्कूल छोड़कर यूएस जाने के बारे में लिखा हुआ था। होंगजू भी यही चीज पढ़कर काफी ज्यादा शौक हो गई थी और प्रेजेंट में सोच रही थी
कि जिस रिलेशनशिप की ऐसी एंडिंग हो उन्हें ऐसा रिलेशनशिप शुरू ही नहीं करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि मेडिटेशन करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये टाइम भी जल्द ही निकल जाएगा। लेकिन उसी समय उसकी डोरबेल बज जाती है और बाहर जाकर देखती है कि संगपिल उसका इंतजार कर रहा है। संगपिल होंगजू को उनके साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। होंगजू पहले इस बारे में सोचती है, लेकिन जैसे उसकी नजर होयंग पर पड़ती है वो तुरंत मना कर देती है। संगपिल उसे कहने लगता है कि अपने रेस्टोरेंट में काम करने की वजह से पिछले 2 साल से उसने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया है और वो उन सब लोगों के साथ बाहर घूमने जाना चाहता है, तो क्या वो उसके साथ नहीं चलना चाहेगी। होंगजू अपनी चोट का बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन संगपिल कहता है कि उसने उसे कल देखा था जब वो दौड़ते हुए उसके रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई थी। काफी कहने के बाद भी जब होंगजू नहीं मानती तो संगपिल कहने लगता है कि वो पिछले 10 साल से बहुत ही ज्यादा काम कर रही है और वो अपने घर हेजी और उसके रेस्टोरेंट के अलावा कहीं नहीं जाती और उसे भी अपने लिए कभी ऑफ लेना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। ये सब सुनकर होंगजू थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाती है और कहने लगती है कि वो दोनों ही ट्रिप पर जा सकते हैं, पर संगपिल कहता है कि सिर्फ वो दोनों नहीं जा रहे हैं बल्कि हुयंग के अंकल बेकुक और हेजी भी ज्वाइन करने वाली है। ये सुनकर होंगजू का भी मन तो हो जाता है, लेकिन तभी अचानक वो संगपिल से कहने लगती है कि वो हुयंग के साथ नहीं जा सकती, उन दोनों के बीच चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हैं। और इतना सुनते ही अचानक ही संगपिल हुयंग को चिल्लाकर कहने लगता है कि होंगजू को भी कुछ फील हुआ था। होंगजू भी संगपिल को तुरंत चुप करा देती है और उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।